नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल केसीसी मैथ क्लासेज पर। अब रोज़ाना घर बैठे मैथ की निशुल्क कोचिंग के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है वैदिक विधि से घनमूल। तो वैदिक विधि से घनमूल पिछले सवाल में आपने देखा था किस प्रकार शॉर्ट ट्रिक से करा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हल करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार उल्टा एक एल बनाना है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब आपको क्या करना है, ये संख्या लिखनी इधर 25, 84, 74, 853, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, यहां से आपको स्टेप बनाने के लिए 1, 2, 3, ठीक है। बाद में क्या करना है आपको, जब स्टेप 3 बने, जैसे 1, 2, 3 बने, तो इधर आंसर जो आएंगे वो 3 डिजिट में आएंगे। कितने डिजिट में आएंगे? 3 डिजिट। अब ये 3 डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पहला अंक क्या है इसका, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है 3, इकाई अंक कितना है 3। जब इकाई अंक 3 है तो हमें पता होना चाहिए कि किस संख्या के पीछे 3 आता है। तो जब 7 का घन हम देखते हैं तो 7 के घन के पीछे 343 यानी कि पीछे 3 आता है, तो इसका घनमूल का इकाई अंक क्या रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है। कम से कम आपको 10 तक घन याद होना जरूरी है। बीच वाला अंक हम बाद में याद करेंगे, 258 से जस्ट छोटी घन संख्या देखते हैं, तो 258 से जस्ट छोटी घन संख्या कौन सी, 216, और 216 किसका है, तो 216 है 6 का, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 6। अब ध्यान देना, स्टेप कितने बने आपके 3, तो 6 समूह बना, 6 स्टेप बना, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ऐसे 6 समूह बना लेना, ठीक है। अब ध्यान दो, आपको क्या करना है, इधर तो लिखना है 6 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, इधर लिखना है माइनस 3 इंटू 6 का स्क्वायर, इधर लिखना है माइनस 3 इंटू 6, ठीक है। अब आगे अंतिम अंक कौन सा है, 7 है, तो यहाँ से नीचे से वापस आपको क्या करना है, इधर तो लिखना है 7 का माइनस 7 का क्यूब, इधर लिखना है माइनस 3 इंटू 7 का स्क्वायर, इधर लिखना है माइनस 3 इंटू 7, ठीक है। अब ध्यान दो आप, यहां से बीच वाला अंक अभी यहीं पे पता चल जाएगा आपको। सबसे पहले 6 का क्यूब कितना होता है, 216, तो 216 हम करेंगे इसमें से माइनस, 258 में से जब माइनस करेंगे 8 में से 6, 2, 5 में से 1, 4, यानी कि 42 पीछे रहेंगे, ठीक है। आगे वाला अंक उतारेंगे हम 4, जब 4 को उतारेंगे तो जाएंगे 484, 484 में से ये माइनस निकालना गुणा करें, तो देखो कैसे 3 और इधर है 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 108। अब आप ध्यान देना, ये अंक कैसे पता करेंगे, 108 को आप किससे गुणा करेंगे, 424 के बराबर या कम है, ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो 108 का हम सन्निकट संख्या से गुणा करते हैं, अगर 1 से करेंगे तो 100, 2 से करेंगे तो लगभग 200, 300, 3 से करेंगे तो 4 से करेंगे तो 400, अगर वो 4 से करेंगे तो रियल में 4 से करके देखो 400 की शक्ति की संख्या, तो 400 से करेंगे तो 432 आएंगे, जब इसका गुणा 4 से करेंगे तो 432 आएंगे, तो हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर कम चाहिए, तो 4 से गुणा करने पर तो ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 3। अब देखो 3 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 324, 324 ही आएगा। अब देखो ये करेंगे माइनस, अब देखो ये अंक हमें पता चल गया 3, तो ठीक से यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, आंसर तो पता चल गया, विधि बनना था, ठीक है, यहाँ पर आएगा 3। अब यहाँ पर जब 3 आएगा तो यहाँ पर आएगा 3 का, 3 आ गया 3 का स्क्वायर, और इधर आएगा 3 का क्यूब, ठीक है। अब ध्यान, 6 का क्यूब और 3 का क्यूब, 6 और 3 से क्या बना 63, 63 का क्यूब हो रखा है, इन दोनों को मिलाकर के 63 का क्यूब हो गए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिखेंगे 63, क्या लिखेंगे 63, ठीक है। अब इनको गुणा भाग करके हल करते हैं, चलो 324, 424 में से माइनस निकालेंगे, तो जब 324 माइनस निकालेंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 100 बचेंगे, ठीक है। अब उतरेंगे आगे वाला अंक कौन सा है, 7, तो 7 को यहाँ पर उतरेंगे तो हो जाएगा 1007, ठीक है। अब इनका गुणा करके माइनस करते हैं, 3 का गुणा 6 से और 3 का स्क्वायर 9, चलो गुणा करते हैं, 9 का 6 से 54, और 54 का जब 3 से गुणा करेंगे तो
162, 54 का 3 से 162, ये 162 कर लेंगे इसमें से हम माइनस, चलो माइनस करते हैं, 7 में से 2, 5, 100 में से 16, 84, ठीक है। अब ध्यान देना, 7 तो अगला अंक कौन सा आएगा, 4, ये 4 उतारेंगे हम यहाँ, ठीक है। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 करेंगे हम इसमें से माइनस, और 27 माइनस करेंगे 84, 54, 54 में से 27 गए, वापस 27 बच जाएगा, यानी कि 84, 27, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इनका गुणा करके इसमें से माइनस निकालना, तो इनका गुणा कैसे करेंगे, 7 का 3 से 21, चलो इनका गुणा करते हैं, फिर 63 का स्क्वायर, ये तो आप वर्ग की विधि से 63 का स्क्वायर निकाल लो, या फिर आप याद ही रखो 63 का स्क्वायर रहेगा आपके 39 गुणसीतल, दोनों में से कोई भी तरीके, या तो आप निकाल लो अथवा या फिर याद रखो, ठीक है। अगर इसकी मैं ट्रिक बता, इसका भी गुणा मान लो कि इस ट्रिक से करना है, तो आपको क्या करना है, देखो ये जीरो लगा दिया, ये तो हो गया 10 से गुणा, ये हो गया 10 से गुणा, वापस डबल कर लो, ये जैसे कि 0 9 का 18, 1 6 का 12 और 1 13, वापस एक हासिल में 18 और 1 19 और 1 हासिल में 3 और 1 3 का 6 और 1 7, ये तो हो गया 20 से गुणा, ठीक है, मतलब डबल कर लो, ये 20 से गुणा। अब देखो 21 से करना था, 1 ज्यादा करना था, तो ये वापस इसमें ऐड कर दो, वैसे आप चाहो जैसे गुणा कर सकते हो, इसका 9 8 और 6 14, 14 का लिखेंगे हम 4, फिर हासिल में 1, तो कितना हो जाएंगे 13, फिर हासिल में 1, फिर 13, फिर हासिल में 1, यानी कि 83,349, इसका आंसर रहेगा जो आएगा 83,349। अब देखो 7 4 उतार लेता, अब इसके अगले अंक उतारेंगे 8, और 8 में से ये घटेंगे हम इधर, इसमें से ये घटेंगे माइनस, तो 83,349 ये हम करेंगे इसमें से माइनस, चलो माइनस कर लें, ध्यान देना 9 में से 8, तो पीछे कितने रहेंगे 9, यहां पर रहेंगे 6, 6 में से 4 पीछे रह जाएंगे आपके 2, 2 में से 3 पीछे रह जाएंगे 9, पीछे 9 रह जाएंगे ना, 3 में से 3 0 और इधर भी 0, इसका लिखने का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान, अब आगे वाला अंक उतारेंगे, यहाँ पर 8 उतार लिया, 8 के बाद किसकी बारी 5, ये 5 उतारेंगे। अब इनका गुणा करके निकालेंगे माइनस, चलो गुणा करते 63 और इधर है 7, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, 49 से किसका गुणा करना है 63, तो पहले 49 का 63 से गुणा करो, 63 से गुणा बिल्कुल इजी, ये तो हो गया आपके 100 से गुणा, ठीक है, और ये हो गया आपके 50 से गुणा, ठीक है, 100 से गुणा, ये 50 से गुणा, अब क्या करना है, हमें 49 से गुणा करना था, तो वापस इसमें से 63 आप क्या करो माइनस करो, 63 माइनस करेंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे 3, देखो 9, तो इधर रह जाएंगे 7 और इधर हो गए 14, 14 में से वापस 6, 8, ठीक है, और इधर 30, यानी कि 30, ये इनका गुणा हो गया। अब और करना है आगे गुणा, और किससे करना है 3 से, तो इनका 3 से गुणा कर लो, इनटू 3, 3 से गुणा करेंगे 7 3 21, 1 2, 8 3 24 और 2 26, 2 2 और 3 3 9, 92 61, ये 92 61 हम लिखेंगे यहां, ठीक है, गुणा आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दो, ये करेंगे माइनस, माइनस करेंगे देखो 5 में से 1, 4, 9 में से 6, 3, 2 में से 2, 92 मतलब 0, ये 0 है, ठीक है। अब देखो आगे वाला अंक उतारेंगे, 5 तो उतार लिया, अब उतारेंगे आगे वाला 3, जब 3 उतारेंगे तो हो जाएंगे 343 और 7 का घन कितना होता है 343, ये 343 इसमें से करेंगे माइनस, माइनस करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 0, तो ये इस प्रकार आपके घन रहेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 18 में सेम प्रक्रिया, ऐसे ही उल्टा आपको ऐसे एल बनाना है, ठीक है, इधर लिखेंगे 22 67 51 87, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो समूह 1 2 3, 3 बन गए समूह। अब पीछे वाला अंक देखो, पीछे वाला अंक कौन सा है, पीछे वाला अंक है आपके 7, तो 7 किसके पीछे आता है 3 के पीछे, 3 का घन 37 होता है, तो यहाँ पर पीछे वाला अंक जो 3 आएगा, ठीक है, बीच वाला अंक बाद में याद करेंगे 22 से जस्ट छोटी घन संख्या, देखो कितने होते
तीन का भी सदिश होता है तो 22 से छोटे कौन सा होगा? दो। दो का कितना होता है? आठ। ठीक है ना, ये रह जाएगा दो। अब दो तो हमें पता चल गया, स्टेप बनाने आपको ऐसे छह छह स्टेप बना दे दिया मैंने, देखो एक दो तीन चार पांच और ये छह। अब विधि से हल करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले इधर दो का क्यूब, फिर इधर दो का स्क्वायर माइनस तीन, फिर इधर लिखेंगे माइनस तीन इंटू दो, ये संख्या अभी बाद में पता चलेगी, तीन। तो इधर लिखेंगे माइनस तीन का क्यूब, इधर लिखेंगे तीन इंटू माइनस तीन, तीन का स्क्वायर, तीन का क्यूब, तीन का स्क्वायर, फिर माइनस तीन इंटू तीन। ठीक है, ये संख्या बाद में पता चलेगी। अब देखो कैसे, दो का क्यूब कितना होता है? दो का क्यूब आठ, तो यहां पर हम लिखेंगे आठ, आठ करेंगे माइनस, आठ जब माइनस करेंगे तो पीछे कितने हो जाएंगे? चौदह, बाईस में से आठ, बाईस में से आठ निकाले चौदह। ठीक है, अब ध्यान आगे वाला अंक उतारेंगे, आगे वाला अंक कौन सा है? छ, इस छ को यहां पर उतारेंगे तो बन गए 146। 146 में से अब यहां से संख्या घटाते हैं, ध्यान देना, 146 इधर कितना? तीन, तीन, और इधर है दो, दो का स्क्वायर चार, चार का तीन से गुणा बारह। अब बारह का गुणा हम किससे करें? देखो बारह का गुणा हम किससे करें? अगर बारह का गुणा देखो ये बारह और इधर है 146, 146 अगर हम 10 से भी करें, 12 से करें, लेकिन आज तो कम तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दो डिजिट नहीं आएंगे, फिर दो डिजिट लिखेंगे नहीं, तो इसलिए हमें कम से कम एक डिजिट से गुणा करना, एक डिजिट बड़ी से बड़ी संख्या 9, चलो 9 से गुणा करते, 9 से गुणा करेंगे तो देखो क्या आता है, 9 से गुणा करेंगे तो 12 का 9 से गुणा करने पर आपके 108 आ जाएंगे। चलो 108 इसमें से माइनस निकालते हैं, 100 देखते हैं, यहां पर 9, ये 9, तो यहां पर 108। ठीक है, अब देखो पीछे संख्या कौन सी रहेगी? 108 माइनस निकालेंगे तो 108 माइनस निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा आपके 38, पीछे रह जाएंगे 38, और आगे वाला हम उतारेंगे 6, ये 6 यहां पर। ठीक है, अब 6 उतारेंगे 386, और जब यहां पर लिखेंगे 9, यहां पर 9, 9 का गुणा किससे भाई? 9 का 9 आ गया तो इधर रहेगा 9 का वर्ग। अब ध्यान देना देखो, यहां से 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81, 81 हो जाएगा, और 81 का फिर किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे, 81 का 6 से गुणा करेंगे, जब 81 का 6 से गुणा करेंगे तो देखो इससे बड़ी संख्या आएगी कि नहीं आएगी, तो हमें क्या करना है? यहां पर 9 भी नहीं लेना, ये चीज ध्यान रखना है। यहां पर आपको संख्या लेते वक्त सोचना है कि बड़ी संख्या आए तो कौन सी संख्या ले, 9 ले तो नहीं ले, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 8 लेंगे, यहां पर हम 8 लेते हैं, चलो ये पूरे कैंसिल लेगा। अब देखो 8 लेंगे, 8 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 से 12, 12 का गुणा फिर करेंगे हम 8 से, जब 12 का गुणा 8 से करेंगे तो चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब ये चिन्ह इसमें से माइनस निकालेंगे, माइनस चिन्ह, ध्यान देना देखो, चिन्ह जब माइनस निकालेंगे तो पीछे हो जाएंगे 50, पीछे रह जाएंगे 50। अब उतारेंगे आगे वाले अंक को 6 को, ये 6 उतारे, 6 उतारे, अब देखो आगे जब यहां पर 8 आए तो यहां पर क्या आएगा? 8 का स्क्वायर, हल करो देखो, 3, 2 का 3 से 6 और 8 का 64, 64 का 6 से गुणा हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, तो आप ये 8 रख सकते हो। चलो गुणा करेंगे, 6 का 4 से 6 चौक 24, 4 2 38। ठीक है, ये इसमें से माइनस निकालेंगे, ये ध्यान रखना यहां पर जो बताया 8 का स्क्वायर तो यहां पर आएगा 8 का क्यूब। ठीक है, अब करते हैं माइनस, पूरी संख्या लिख लेते हैं, चलो यहां पर आएगा 8, आगे 2 और 8, 2 और 8 से बन गए 28, 2 और 8 से बन जाएगा 28, तो 28 का क्यूब हो गया। अब यहां पर लिखेंगे 28 का स्क्वायर और फिर इधर लिखेंगे हम 28। ठीक है, चलो अब करते हैं माइनस, 506 में से माइनस करने, 384, 6 में से 4 गए 2, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 1, 3 गया 1, 122। अब उतारेंगे आगे वाला, ये उतार लिया, ये उतारेंगे 5,
पांच उतारेंगे आठ का, घन निकालेंगे माइनस आठ का घन कितना होता है 512, ये 512 इसमें से निकालेंगे माइनस, माइनस निकालेंगे तो पीछे देखो पांच, पांच में से दो तीन, दो में से एक, बारह में से पांच सात, ये 713। आगे वाला हम कौन सा एक, एक उतार देंगे हम यहाँ। अब करेंगे इनका गुणा, इनका गुणा करके निकालेंगे माइनस, तीन का तीन से नौ और अट्ठाईस, अट्ठाईस का घन सॉरी अट्ठाईस का वर्ग, अट्ठाईस का वर्ग होता है 784, 784। अब देखो 784 का करना 9 से गुणा, 9 से गुणा की ट्रिक बताई, ये हो गया 10 से गुणा, ये हो जाएगा वापस माइनस करते 7 से गुणा, 7 से गुणा देखो 6 4 14 इधर रह जाएगा 10, 10 में से 4 6 इधर हो गए 3, 3 का 13, 13 में से 8, 13 में से ये 13 बन जाएगा ध्यान रखना 13, और 13 में से आपको निकालना है 8, तो पीछे रह जाएंगे ये 5 और इधर इधर रह जाएंगे 7, 7 में से 7 0 और वापस 7 का 7 70 56, 70 56 हम लिखेंगे इधर 70 56, ये करेंगे हम माइनस, ध्यान रखना माइनस करेंगे 70 56, तो 70 56 माइनस करते देखो यहां पर 6 11, 11 में से 6 के पीछे रहेंगे 5, ठीक है इधर हो गए 2 12, फिर 12 में से आपको निकालने 5, 12 में से 5 जाएंगे पीछे रह जाएंगे 7, ठीक है और 70 में से 70 0, ठीक है। आगे वाला उतारेंगे, एक उतार लिया, अब उतारेंगे 8, ये 8, 8 को इनका गुणा करके माइनस निकालेंगे। चलो देखो ध्यान दो, 3 और इधर है, ऐसा करो पहले 3 का 28 से करो ताकि इजी गुणा हो जाए, 28 का 3 से 84, ठीक है और फिर 84 का गुणा करेंगे 9 से, 84 का गुणा 9 से बिल्कुल इजी, ये 840, ये तो हो गया 10 से गुणा और ये हो जाएगा वापस 9 से गुणा, 9 से गुणा करते देखो 10 में से 6 और इधर 13, 13 में से वापस 8 5 और पीछे रह जाएंगे 756, ये 756 इसमें से निकाल देंगे माइनस, 756 माइनस निकालेंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे 2 और आगे वाला हम उतारेंगे 7, 7 उतारते इधर हो जाएंगे 27, ठीक है। अब 3 का घन, 3 का घन कितना होता है 27, ये 27 कर देंगे इसमें से माइनस, 27 माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा 0 और जो ये आपका घनमूल सबसे पहले एल उल्टा, ठीक है। अब देखो स्टेप से लिख देंगे 86 15 125, तीन तीन के बनेंगे स्टेप 1 2 और ये 3, ठीक है तो डिजिट भी 3 ही आंसर आएंगे। पहला इधर से इकाई अंक लेते हैं, इकाई अंक क्या 5, तो घनमूल का भी इकाई अंक क्या रहेगा 5 ही रहेगा, बीच वाला अंक बाद में पता करेंगे, ठीक है। पहला अंक कौन सा 8, तो 8 से जस्ट छोटी या बराबर घन संख्या कौन सी है, 8 से जस्ट छोटी घन संख्या या बराबर घन संख्या जो 8 ही है, 8 का घनमूल होगा 2, तो यहां पर हम लिख लेंगे 2, ठीक है। अब ध्यान दो देखो स्टेप 3 है, वैसे 6 से बना लेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब ध्यान देना सबसे पहले इधर लिखेंगे 2 आया और 2 का क्यूब, इधर लिखेंगे -3 × 2 का स्क्वायर, इधर लिखेंगे -3 × 2, ठीक है। अंतिम अंक क्या है 5, तो यहां पर लिखेंगे -5 का क्यूब, इधर हम लिखेंगे -3 × 5 का स्क्वायर, इधर लिखेंगे -3 × 5, ठीक है। यहां पर जो संख्या आएगी वो बाद में पता करेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना 8 में से 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 8 0, आगे वाला अंक उतारेंगे 6, इनका गुणा करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12, अब 12 का किससे गुणा करेंगे 0, 6 से कम है तो 12 का गुणा 1 से करेंगे तो भी 12 था, इसलिए हम किससे करेंगे 0 से, जब इधर 0 आएगा तो देखो ध्यान रखना इधर 0 आएगा तो इधर भी क्या आएगा 0 का स्क्वायर, इधर आएगा 0 का क्यूब, 0 का 2 का क्यूब और 0 का क्यूब मतलब 20 का क्यूब बन चुका है, तो यहां पर हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर और इधर लिखेंगे हम 20, ठीक है। अब आगे हल करते हैं, इसमें से जब इनका गुणा करेंगे क्या आएगा, कोई भी संख्या अगर 0 से गुणा करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस निकालेंगे वापस 6,
ठीक है, आगे वाला अंक करेंगे, आगे वाला अंक आ जाएगा आपके एक। इसमें भी देखो तीन दो और जीरो का जीरो से गुणा होते वापिस जीरो, और आगे वाला अंक उतरेंगे एक से, आगे वाला अंक पांच आएगा यहाँ पर तो जाएगा 615। फिर ध्यान जीरो का क्यों, फिर जीरो माइनस करेंगे तो वापिस 615। अब आगे वाला अंक उतरेंगे आगे वाला अंक एक, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, अब गुणा करते तीन का पांच से पंद्रह, पंद्रह इंटू बीस का वर्ग, बीस का वर्ग कितना होता है, बीस का वर्ग होता है 400, और जो 400 का 15 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15 चौक 60 यानी कि 6000। ये 6000 इसमें से माइनस निकालें, 6000 माइनस निकालेंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे 151, 151। अब आगे वाला अंक उतारेंगे, आगे वाला अंक है दो, दो यहां पर उतार लेंगे, इनका करें गुणा, इनका गुणा करेंगे ध्यान देना 3 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25, 25 का 3 से 75, 75 का गुणा किससे करना है 20, 75 का गुणा किससे करना है 20 से, तो 20 से गुणा 10 से गुणा करें 750, 20 से गुणा करेंगे तो 1500, ये हो गए 1500, ठीक है। और 1500 निकालेंगे, 1512 में से 1500 पीछे रहेंगे 12, आगे वाला अंक कौन सा है 5, ये उतारेंगे यहाँ पे 5, और इधर 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब होता है 125, 125 करेंगे इसमें से माइनस, माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा 0। इस प्रकार आपका यह ये जो ये जीरो यहाँ पर लिख लेंगे तो हो जाएगा 205, 205 ये जो आपके घनमूल है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी आपको क्या करना है, इसे स्टेप बनाना है, स्टेप 660, 776 और 311, तो देखो तीन का स्टेप बना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई अंक देखना है, इकाई अंक क्या है एक, तो एक किसके पीछे आता है, एक के पीछे आता है, हम यहाँ पर लिखेंगे एक, पहला अंक इकाई अंक है जो ये है, बीच का अंक बाद में पता करेंगे, पहला 660, 660 से जस्ट छोटी घन संख्या कौन सी है, 660 से छोटी घन संख्या होती है 8, 8 का देखो 512 होता है, तो इससे छोटा रहेगा, 9 का ज्यादा देगा 729, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर फिर आपको क्या करना है, इसमें से संख्या पता चलने के बाद इधर लिखेंगे हम 8 का क्यूब, ठीक है। बाकी स्टेप बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये स्टेप। अब ध्यान देना 8 का क्यूब, तो इधर आएगा 8 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर आएगा माइनस 3 इंटू 8, ठीक है, और यहां से एक आया हुआ, तो इधर आएगा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, इधर आएगा 1 का स्क्वायर, इधर आएगा 1, इसके साथ में भी माइनस 3, इसके साथ में भी माइनस 3 इंटू, ठीक है, ये माइनस का। अब ध्यान दो 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो 512 निकालेंगे इसमें से माइनस, 512, 512 माइनस निकालेंगे, देखो 10, 10 में से 2, 8, 5 में से 1, 4, ठीक है, और इधर भी 6 में से 1, 5, 5, 6 में से 5, 1, ठीक है। अब ध्यान दो आगे वाला अंक उतारेंगे, आगे वाला अंक कौन सा 7, ये 7 यहाँ पे उतारते हैं, यहाँ पर संख्या लेंगे, यहाँ पर संख्या देखो 3 और 8 का वर्ग कितना है, 8 का वर्ग 64, 64 का गुणा 3 से करेंगे पहले, 64 8 64 64 का गुणा करेंगे पहले 3 से, तो 64 का गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा आपके 192, 192। अब ध्यान दो 192 का किससे गुणा करेंगे, 1487 से कम है, तो 192 सन्निकट है 200 के, सन्निकट किसके 200 के। अब ध्यान देना देखो, अगर हम 200 को इधर है 1400 है और हमारे पास में 200, तो 1400 का 200 मतलब 7 से गुणा करोगे आप, किससे 7 से गुणा करोगे, 7 दूनी 14 होता है, तो लगभग इसके आसपास संख्या आएगी या छोटी संख्या आएगी, चलो 7 से गुणा करके देख लेते हैं, ज्यादा नहीं आनी चाहिए कम आ जाएंगे, 7 से गुणा करते हैं, 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 1,
फिर 7 × 63 और 1 = 64, फिर 7 × 7 और 7 × 6 = 13, 1344। 1344 इसे छोटा है तो यहाँ पर 7 आएगा, ये 7, ठीक है, 1344। ये 1344 निकालेंगे इसमें से माइनस, चलो माइनस निकालते हैं, 7 में से 4 3, 8 में से 4 4, 4 में से 3 1, 143। जब इधर 7 है तो ये पूरी जगह 7 ही आएगा ना, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का क्यूब, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो आगे वाला होता है कि 7 का आगे अगला अंक 7, ठीक है। अब इनका करेंगे गुणा, गुणा करेंगे 7 का 3 से, 7 3 का 8 से 8 3 24 और 7 × 7 49, 49 का गुणा किससे करेंगे 49 और 24 का गुणा करेंगे, 49 और 24 का गुणा भी आपको बताया हुई है। देखो ये तो हो गया आपके 1200, यानी कि 50 से गुणा, 49 से करना है तो वापिस ये 24 कम कर लो, ये 24 कम होते ही हो जाएंगे 1176, 1176 ये इनका गुणा है, 1176, 1176 करेंगे इसमें से माइनस, चलो 1176 माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो पीछे कितना जाएगा 1 7 13, 13 में से 7 वापिस 6 और 13 में से 11 2, 261। और आगे वाला अंक उतारेंगे हम, 7 उतार लिया, ये भी 7 और 6 उतारे, ये 6, ठीक है। 7 का क्यूब करेंगे हम माइनस, 7 का क्यूब कितना होता है 343, ये 343 इसमें से करेंगे माइनस, माइनस करेंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे 3, 11 में से 4, 11 में से 4 जाएंगे पीछे रह जाएंगे 7, फिर इधर 5 में से 3 2, 5 में से 3 2 और 2 का 2, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर कौन सी संख्या आएगी, 7 तो आएगा 87, कौन सा आएगा 87, यहां पर हम लिख लेंगे 87 का स्क्वायर, 8 और 7 से क्या बनेगा 87, तो 87 का क्यूब हो रखा है, हम करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर 87 का स्क्वायर, देखो ध्यान रखना 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा और 87, 87 का स्क्वायर कितना होता है, 87 का स्क्वायर होता है 75 × 70, 75 × 70। अब इनका गुणा करेंगे हम 3 से और 3 से गुणा करके इसमें से माइनस निकालेंगे, पहले आगे वाला अंक उतार लेते हैं, आगे वाला अंक कौन सा आएगा आपके 3, आगे वाला अंक 3 ये यहां पर उतारें, ठीक है। अब इनका गुणा करो, पहले तो 7 × 3 = 900, 29 = 27, 27 का लिखेंगे 7, फिर 2 हासिल में, फिर 6 × 3 = 18 और 2 = 20, 0 हासिल में, 2 × 5 = 15 और 2 = 17, फिर असल में 1 7 3 21 और 1 22, 22 707, तो 22 707, 707 निकालेंगे इसमें से माइनस, तो 22 707 इसमें से माइनस निकालेंगे तो पीछे कितने 22 में से 22, 7 का 7 0 और 7 निकाल 33 में से हम 7 निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा आपके 26, पीछे रह जाएंगे आपके 26, ठीक है, ये 26 है, 26। अब उतारेंगे आगे वाले अंक को, आगे वाला अंक कौन सा, 1, ये 1, ठीक है, इधर आ जाएगा 87, गुणा करते 87 का गुणा 3 से, 87 का गुणा करेंगे 3 से क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 87 का 3 से 7 3 21 का 1 आंसर के 2, 8 3 24, 24 और 2 26, ये 26, 261 में से 261 पीछे क्या रहेगा 0, उतारेंगे आगे वाला अंक 1 और इधर 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1, ये करेंगे माइनस तो आंसर आ जाएगा 0। इस प्रकार ये आपके घनमूल रहेगा, इधर देखो ये 7 का क्यूब है तो इधर रहेगा आपके 7, बीच वाला अंक पता चल गया, यानी कि 871 का ये घनमूल रहेगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।